भारत में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 21 मरीज सामने आ चुके हैं 5 राज्यों में। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, इसी के साथ ही कर्नाटक में 2 मामले, दिल्ली और गुजरात में 1-1 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामने आ चुका है। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। अब तक 21 मामले इसके सामने आ चुके हैं तमाम राज्य में। अब अहम कदम उठाए जा रहे हैं। एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर, तमाम चीजों को देखते हुए, यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए आरटीपीसीआर टेस्ट यात्रियों को कराया जा रहा है। कोई भी अगर ऐसा संदिग्ध मिलता है, अगर इस चीज की पुष्टि होती है, तो उसको तुरंत आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखिए, 1.5 साल पहले वाला डर एक बार फिर से लोगों के अंदर अब फिर से शुरू होने लगा है। इस बात का डर, क्योंकि पहले से ही जो अर्थव्यवस्था लुढ़की थी, एक तो उस चीज़ की वजह से लोग उभरे नहीं थे, जो कामकाज था वो ठप हो चुका था। अब एक बार फिर से वही समस्या और चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। सरकार तो के लिए तो बड़ी चुनौती है ही, लेकिन लोगों के लिए परेशानी उतनी ही बढ़ने वाली है अगर इसी तरह से मामले सामने आने लग जाते हैं तो। ममता हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है इसी खबर पर। ममता, जानकारी चाहेंगे, क्योंकि देखिए पहला केस जब सामने निकल कर आया था तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है, कदम उठाए जा रहे हैं, शायद इनको रोका जा सकता है। अब एक के बाद एक तुरंत 21 मामले सामने आ चुके हैं। कल दिल्ली से भी एक मामला सामने आ चुका है। अब देखिए, सरकार के लिए तो चुनौती है ही किस तरह से इसको काबू करना है, क्योंकि पहले भी हमने लॉकडाउन जैसी स्थिति देख ली, अब लोगों के लिए भी परेशानी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है भारत में, कहीं ना कहीं चिंता का जो सबब है वो जरूर सबके लिए हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, अभी तक तकरीबन 21 मामले हैं जो सामने आ चुके हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। क्योंकि अभी हाल ही में 9 केस जयपुर में मिला है, जिससे बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं। और लगातार जो मामले हैं, चाहे हम जयपुर में 9 केसेस मिले हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर 8 संक्रमित मरीज मिले हैं। और सबसे पहला जो केस मिला था वो कर्नाटक में मिला था, 2 मरीजों की पुष्टि हुई थी। और उसके बाद से देखा जाए तो ये वेरिएंट देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच रहा है। गुजरात में भी नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। तो नए वेरिएंट की अगर हम बात करें, ओमिक्रॉन की बात करें, तो किसी को पता नहीं है ये कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए, आम लोगों के लिए भी ये चिंता का सबब है और सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी तक कोरोना के जो भी दिशा निर्देश थे, जो प्रोटोकॉल थे, उसका पालन सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि आखिरकार ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये कितना ज्यादा खतरनाक है। और इसका जो वैक्सीनेशन भारतवासियों को किया जा रहा है, उस वैक्सीन का इस पर कितना असर होगा, इसका भी कोई अंदाजा है नहीं। लेकिन जानकारों के मुताबिक जिन लोगों को डबल डोज लग चुका है, मुमकिन है कि उन पर ये वेरिएंट उस तरीके से असर नहीं करे जैसा कि जिनको वैक्सीन नहीं लगा है उनके ऊपर असर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है, क्योंकि नया वेरिएंट है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और पहला मामला कर्नाटक में आया और उसके बाद से देखा जाए तो लगातार मामले में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, और ममता साथ ही साथ ये भी, क्योंकि देखिए कर्नाटक में चाहे पहला मामला सामने निकल कर आया हो, अगर हम राजस्थान की बात करें, सबसे ज्यादा मामले वहां पर सामने आए हैं, 9 मामले। राजस्थान सरकार की तरफ से सरकार को ये कहा गया था इससे पहले कि वो बूस्टर डोज की ओर ध्यान दे और जो सेकेंड डोज है उसके लिए भी अभियान तेज करे, क्योंकि जरूरत है अब लोगों को, अब वो जरूरत बन चुकी है, क्योंकि कोरोना तो आ ही चुका है पूरे दुनिया भर में, क्योंकि उससे अब हमें ही उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। अब ऐसे में दिल्ली सरकार, क्योंकि देखिए दिल्ली वासियों के लिए परेशानी इसलिए ममता, क्योंकि पहले ही पोल्यूशन की वजह से लोगों को समस्या हो रही थी, हमने वर्क फ्रॉम होम कर दिया था सरकार की तरफ से, स्कूल बंद कर दिए गए, अब फिर से अभी ये वेरिएंट सामने निकल कर आया, एक केस कल सामने आ चुका है। और ऐसे में अब दिल्ली वासियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कामकाज शुरू हुआ था लेकिन अब वही चुनौती उनके लिए भी। जी बिल्कुल स्वाति, चुनौती तो है और बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है ये ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, और उन लोगों पे बहुत ज्यादा जिनको वैक्सीन नहीं लगा हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का सबब जरूर है। क्योंकि देखा जाए तो पहले और दूसरे लॉकडाउन के बाद जिंदगी पटरी पर लौटी थी, अब लोगों ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया था और शायद लोगों की लापरवाहियां भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई थी, और उसी का नतीजा ये कहा जा सकता है कि अब नए वेरिएंट ने हिंदुस्तान में दस्तक दे दी है। अब उससे बचाव करना, उससे बचना बहुत बड़ी चुनौती आम जनता के साथ साथ देश की स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए भी है।
क्योंकि देखा जाए एजेंसियां अपनी तरफ से काम तो करती हैं, लेकिन जो लोगों की लापरवाही है वो भी साफ तौर पर देखने को सामने आती है कि लोग उस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। और यही वजह है कहीं ना कहीं, जैसे अगर हम जयपुर की बात करें, वहां पर 9 मामले सामने आए हैं। एक ही परिवार के 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे और उनके संपर्क में आने वाले बाकी लोग भी ओमिक्रॉन संक्रमण में आ गए हैं, उसके चपेट में आ गए हैं। हालांकि उनकी सिक्वेंसिंग जो सैंपलिंग होती है उसके लिए बाकी लोगों को भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं खतरनाक तो है, और लोगों को इस बार को समझना होगा कि यदि वो बाहर से आ रहे हैं तो कम से कम लोगों के संपर्क में ना आए, किसी को बताएं, या कम से कम सामने वाले को यदि नहीं पता कि आप बाहर से आए हैं, लेकिन आपको तो पता है कि आप बाहर से आए हैं, तो कोशिश कीजिए कि लोगों के संपर्क में ना आइए। और जिस तरीके से भारत सरकार ने कोरोना के दिशा निर्देश, पहले से ही जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, तो उसको भी लोगों को मानना चाहिए, ताकि संक्रमण अब तो भारत में दस्तक दे ही चुका है, कम से कम फैले नहीं और दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए ममता, और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।